वेलकम ऑन देसी फुटबॉल बॉय फॉर डेली इंडियन फुटबॉल न्यूज़। तो गाइस डेली की तरह आज भी इस वीडियो में इंडियन फुटबॉल रिलेटेड 3 से 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया अंडर 17 ने अपना फर्स्ट फ्रेंडली मैच जीत लिया है, और AFF ने जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप में इन्वाइटेड टीम्स रिलीज किए उसके बारे में, और जो ISL और I-League के ट्रांसफर को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज़ को लेकर। तो गाइस हमारी फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया अंडर 17 मेंस टीम को लेकर। इंडिया अंडर 17 मेंस टीम ने अपना फर्स्ट फ्रेंडली मैच जीत लिया है अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड बाय 4-1। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। इंडिया ने फर्स्ट हाफ में 3 गोल स्कोर करके 1 गोल कंसीड किया, और सेकंड हाफ में भी इंडिया ने 1 गोल स्कोर किया। तो ये काफ़ी अच्छी स्कोर लाइन है इंडिया के लिए, और जो इंडिया के आने वाले मैचेस है अगेंस्ट लेगेंस गेताफे और रियल मैड्रिड के साथ, ये सारे फ्रेंडली मैचेस इंडिया को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देंगे फॉर AFC एशियन कप। जो इंडिया के ग्रुप में है जापान, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे टीम, तो होप करते हैं कि इंडिया आने वाले मैचेस भी जो फ्रेंडली मैचेस है इंडिया के उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर टूर हो सकता है इंडिया अंडर 17 टीम्स के लिए। तो गाइस चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंटर कॉन्टिनेंटल कप को लेकर। तो गाइस फाइनली AFF ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप में जो इन्वाइटेड टीम थी उसकी अनाउंसमेंट कर दी है, और वो 3 टीम्स है लेबनान, मंगोलिया और वानातू। अगर हम जियोग्राफिकली देखें, वानातू एक ओशियाई टीम है, और अगर आपको ओशियाई रीजन नहीं पता तो ओशियाई रीजन में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वानातू और फिजी जैसी टीम। और अगर हम मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया है एक नॉर्थ एशियाई टीम, और अगर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान है वेस्ट एशियाई टीम। तो ये 3 टीम्स इंडिया ने इन्वाइट किया है फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल कप। तो इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा ओडिशा, और ये सारे मैचेस खेले जाएंगे भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। और अगर हम इस टूर्नामेंट की डेट्स की बात करें तो ये टूर्नामेंट खेला जाएगा 9 जून से लेकर 18 जून के बीच। और जो इन्वाइटेड टीम्स हैं उनकी हम रैंक देखें तो लेबनान की रैंक है 99, इंडिया की रैंक है 101, वानातू की रैंक है 164, और जो मंगोलिया है उसकी रैंक है 183। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इंटरकॉन्टिनेंटल कप के बारे में। तो हम चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और ये नेक्स्ट न्यूज़ है जमशेदपुर FC को लेकर। तो फाइनली गाइस जमशेदपुर FC ने ऋत्विक दास के साथ मल्टीपल ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। अगर हम बात करते हैं ऋत्विक दास की, तो उन्होंने 17-18 में खेला था रियल कश्मीर के साथ, 2021 में खेला था केरला ब्लास्टर के साथ, और फिर 21 से 23 तक वो थे जमशेदपुर FC के साथ। लेकिन फिर से जमशेदपुर FC ने उनके साथ मल्टीपल ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अगर हम बात करते हैं उनके अपीयरेंस की, तो 2022 से 23 तक ऋत्विक दास ने टोटल अपीयरेंस किए थे 20, और उन 20 अपीयरेंस में ऋत्विक दास ने टोटल 6 गोल स्कोर किए और 1 असिस्ट प्रोवाइड किया। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है ऋत्विक दास को लेकर, और ये काफ़ी अच्छी साइनिंग होगी जमशेदपुर FC को लेकर। और जो उनके स्ट्राइकर और विंगर है, होप वो उनके लिए काफ़ी अच्छा कर पाए नेक्स्ट सीजन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। तो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब को लेकर। तो मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब ने अपनी न्यू साइनिंग कर लिया है विद अर्जेंटीनियन प्लेयर। मोहम्मद FC चाहते हैं कि वो एलेक्सिस गोमेज को साइन करे फ्रॉम सुदैव FC। तो सुदैव FC की तरफ से एलेक्सिस गोमेज ने 11 मैचेस में 8 गोल स्कोर किए और 3 असिस्ट प्रोवाइड किए। तो सुदैव FC को उनका गेम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं लगा, और इसलिए अब मोहम्मद FC चाहते हैं कि वो सुदैव FC की तरफ से एलेक्सिस गोमेज को साइन करे। और ये साइनिंग मोहम्मद FC के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है उनके आने वाले नेक्स्ट I-League सीजन के लिए, और जो आने वाला सुपर कप है 2024 का उसके लिए भी। तो ये थे आज के इंडियन फुटबॉल रिलेटेड 4 से 5 टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और फॉलो करते रहो इंडियन फुटबॉल को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।